नमस्कार है। नाम कीर्तन की महिमा, भगवान के चरण चिन्हों का परिचय तथा प्रत्येक मास में भगवान की विशेष आराधना का वर्णन। पार्वती जी ने पूछा, कृपा निधे, विषय रूपी ग्राहों से भरे हुए भयंकर कलयुग के आने पर संसार के सभी मनुष्य पुत्र, स्त्री और धन आदि की चिंता से व्याकुल रहेंगे। ऐसी दशा में उनके उद्धार का क्या उपाय है, यह बताने की कृपा कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी, कलयुग में केवल हरिनाम ही संसार समुद्र से पार लगाने वाला है। जो लोग प्रतिदिन हरे राम, हरे कृष्ण आदि प्रभु के मंगलमय नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। अतः बीच बीच में जो आवश्यक कर्म प्राप्त होते हैं, उन्हें करते करते भगवान के नामों का स्मरण भी करते रहना चाहिए। जो बारंबार कृष्ण 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 की रट लगाया रहता है तथा मेरे और तुम्हारे नाम का भी व्यतिक्रम पूर्वक अर्थात गौरी शंकर आदि कहकर जप किया करता है, वह भी जैसे आग रुई के ढेरी को जला डालती है, उसी प्रकार अपनी पाप राशि को भस्म करके उससे मुक्त हो जाता है। जय अथवा श्री शब्द पूर्वक जो तुम्हारा मेरा या श्री कृष्ण का मंगलमय नाम लेता है, उसका जप करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। दिन रात और संध्या सभी समय नाम स्मरण करना चाहिए। दिन रात हरि नाम का जप करने वाला पुरुष श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन पाता है। अपवित्र हो या पवित्र, सब समय निरंतर भगवान नाम का स्मरण करने से वह क्षण भर में भव बंधन से छुटकारा पा जाता है। भगवान का नाम नाना प्रकार के अपराधों से युक्त मनुष्य का भी पाप हर लेता है। कलयुग में यज्ञ, व्रत, तप और दान कोई भी कर्म सब अंगों से पूर्ण नहीं उतरता। केवल गंगा का स्नान और हरि नाम का कीर्तन, ये दो ही साधन विघ्न बाधाओं से रहित हैं। कल्याणी, हत्या जनित हजारों भयंकर पाप तथा दूसरे दूसरे पातक भी भगवान के गोविंद नाम का उच्चारण करने से नष्ट हो जाती हैं। मनुष्य अपवित्र हो या पवित्र, अथवा किसी भी दशा में क्यों न स्थित हो, जो पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह बाहर और भीतर सब ओर से पवित्र हो जाता है। केवल भगवान नाम के स्मरण से तथा भगवान के चरणों का चिंतन करने से शुद्धि होती है। सोने चांदी, भिगोए हुए आटे अथवा पुष्पमाला के द्वारा भगवान के चरणों की आकृति बनाकर उसे चक्र आदि से चिन्हित कर लेना चाहिए। उसके बाद पूजन आरंभ करें। पूजन के समय भगवान चरणों का इस प्रकार ध्यान करें, भगवान, आपने दाहिने पैर के अंगूठी की जड़ में प्रणत जनों के संसार बंधन का उच्छेद करने के लिए चक्र का चिन्ह धारण किया है। मध्यमा उंगली के मध्य भाग में अच्युत ने अत्यंत सुंदर कमल का चिन्ह धारण कर रखा है। उसका उद्देश्य है ध्यान करने वाले भक्तों के चित्त रूपी भ्रमर को लुभाना। कमल के नीचे वह ध्वज का चिन्ह धारण किया करते हैं, जो मानो समस्त अनर्थों को परास्त करके फहराने वाली विजय ध्वजा है। कनिष्ठ की अंगुली के जड़ में वज्र का चिन्ह है, जो भक्तों की पाप राशि को विदीर्ण करने वाला है। पैर के पार्श्व भाग में बीच की ओर अंकुश का चिन्ह है, जो भक्तों के चित्रोपी हाथी का दमन करने वाला है। श्री हरि अपने अंगुष्ठ के पर्व में भोग संपत्ति के प्रतीक भूत यव का चिन्ह धारण करते हैं, तथा मूल भाग में गदा की रेखा है, जो समस्त देहधारियों के पाप रूपी पर्वत को चूर्ण कर डालने वाली है। इतना ही नहीं, वह अजन्मा भगवान संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित करने के लिए भी पद्म आदि चिन्ह को धारण करते हैं। दाहिनी पैर में जो जो चिन्ह है, उन्हीं उन्हीं चिन्हों को करुणा निधान प्रभु अपने बाएं पैर में धारण किया करते हैं। इसलिए गोविंद के महात्म का जो आनंदमय रस के कारण अत्यंत मनोरम जान पड़ता है, सदा श्रवण और कीर्तन करना चाहिए।
ऐसा करने वाले मनुष्य की मुक्ति होने में तनिक भी संदेह नहीं है। अब मैं प्रत्येक मास का वह कृत्य बतला रहा हूं जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। जेठ के महीने में पूर्णिमा तिथि को स्नान आदि से पवित्र होकर यत्न पूर्वक श्री हरि का स्नानोत्सव मनाना चाहिए। इससे दिन, पक्ष, मास, ऋतु और वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कोटि कोटि सहस्त्र जो पातक और उपपातक होते हैं उन सब का नाश हो जाता है। स्नान के समय कलश में जल लेकर भगवान के मस्तक पर धीरे धीरे गिराना चाहिए। पुरुषोत्तम शुक्त के मंत्रों तथा पावमानी ऋचाओं को क्रमशः पाठ करना चाहिए। नारियल युक्त जल, ताल फल से युक्त जल, रत्न मिश्रित जल, चंदन मिश्रित जल तथा पुष्प युक्त जल, इन पांच उपचारों से स्नान कराकर अपने वैभव विस्तार के अनुसार भगवान की आराधना करें। तत्पश्चात घम घंटाए नमः इस मंत्र को पढ़कर घंटा बजावे और इस प्रकार प्रार्थना करें। अपनी ऊंची आवाज से पतितों की पातक राशि का निवारण करने वाली घंटे, घोर संसार सागर में पड़े हुए मुझ पापी की रक्षा करो। जो श्रोत्रिय विद्वान ब्राह्मण पवित्र भाव से इस प्रकार भगवान की आराधना करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में चला जाता है। आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को भगवान की सवारी निकालकर रथ यात्रा संबंधी उत्सव करना चाहिए तथा आषाढ़ शुक्ला एकादशी को भगवान के शयन का उत्सव मनाना चाहिए। फिर श्रावण के महीने में श्रावणी की विधि का पालन करना चाहिए। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म का दिन है, उस दिन व्रत रखना चाहिए। तत्पश्चात आश्विन के महीने में सोए हुए भगवान के करवट बदलने का उत्सव मनाना चाहिए। उसके बाद समयानुसार श्री हरि के शयन से उठने का उत्सव करें, अन्यथा वह मनुष्य विष्णु का द्रोह करने वाला माना जाएगा। अश्वनी के शुक्ल पक्ष में भगवती महामाया का भी पूजन करना कर्तव्य है। उस समय विष्णु रूपा भगवती की सोने या चांदी की प्रतिमा बना लेनी चाहिए। हिंसा और द्वेष का परित्याग करना चाहिए क्योंकि विष्णु की पूजा करने वाला पुरुष धर्मात्मा होता है और हिंसा द्वेष आदि महान अधर्म है। कार्तिक पुण्य मास है, उसमें इच्छानुसार पुण्य करें। भगवान दामोदर के लिए प्रतिदिन किसी ऊंचे स्थान पर दीप दान करना उचित है। दीपक चार अंगुल का चौड़ा हो और उसमें सात बत्तियां जलाई जाएं। फिर पक्ष के अंत में अमावस्या को सुंदर दीपावली का उत्सव मनाया जाए। अगहन के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को सफेद वस्त्रों के द्वारा भगवान जगदीश की और विशेषतः ब्रह्मा जी की पूजा करें। पौष मास में भगवान का पुष्प मिश्रित जल से अभिषेक तथा तरल चंदन वर्जित है। मकर संक्रांति के दिन तथा माघ के महीने में अधिवासित तांडुल का भगवान के लिए नैवेद्य लगाएं। ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। फिर ब्राह्मणों को देवाधिदेव भगवान के सामने बिठाकर भक्ति पूर्वक भोजन करावें तथा उन भगवत भक्त द्विजों की भगवत बुद्धि से पूजा करें। एक भगवत भक्त पुरुष के भोजन करा देने पर करोड़ों मनुष्यों के भोजन कराने का फल होता है। यदि पूजा में किसी अंग की कमी रह गई हो तो वह ब्राह्मण भोजन कराने से अवश्य पूर्ण हो जाती है। माघ के शुक्ल पक्ष में वसंत पंचमी को भगवान केशव को नहलाकर आम के पल्लों तथा भांति भांति के सुगंधित चूर्ण आदि के द्वारा विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। तत्पश्चात जय कृष्ण कहकर भगवान का स्मरण करते हुए उन्हें एक मनोहर उपवन में प्रदक्षिणा भाव से ले जाएं और वहां दोलोत्सव मनाएं। उक्त उपवन को प्रज्वलित दीपकों के द्वारा प्रकाशित किया जाए। उसमें ऐसे ऐसे वृक्ष हो जो सभी ऋतुओं में फूलों से भरे रहें। फल फूलों से सुशोभित नाना प्रकार के वृक्ष, पुष्प निर्मित चंदावों, जल से भरे हुए घट, आमों की छोटी बड़ी शाखाएं तथा छत्र और चमर आदि वस्तुएं उन सब की शोभा बढ़ा रही हो।
कलयुग में विशेष रूप से दोलोत्सव का विधान है। फाल्गुन की चतुर्दशी को आठवें पहर में अथवा पूर्णमासी या प्रतिपदा की संधि में भगवान की भक्ति पूर्वक विधिवत पूजा करें। उस समय श्वेत, लाल, गौर तथा पीले इन चार प्रकार की चूर्णों का उपयोग करें। उनमें कर्पूर आदि सुगंधित पदार्थ मिले होने चाहिए। हल्दी का रंग मिला देने से उन चूर्णों के रंग तथा रूप और मनोहर हो जाते हैं। इनके सिवा अन्य प्रकार के रंग रूप वाले चूर्णों द्वारा भी परमेश्वर को प्रसन्न करें। एकादशी से लेकर पंचमी तक इस उत्सव को पूरा करें अथवा 5 या 3 दिन तक दोलोत्सव करना उचित है। यदि मनुष्य एक बार भी झूले में झूलते हुए दक्षिणाभिमुख श्री कृष्ण का दर्शन कर ले तो वे पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महाभागे, जो मनुष्य वैशाख मास में जल से भरे हुए सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के पात्र में श्री शालग्राम को या भगवान की प्रतिमा को पधार कर जल में ही उसका पूजन करता है, उसके पुण्य की गणना नहीं हो सकती। दमन, दौना नामक पुष्प का आरोपण करके उसे श्री विष्णु को अर्पित करना चाहिए। वैशाख, श्रावण अथवा भाद्रपद इन मास में दमनार्पण करना उचित है। पूर्वी हवा चलने पर ही दमनार्पण आदि कर्म होते हैं। उस समय विधि पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए, अन्यथा सब कुछ निष्फल हो जाता है। वैशाख की तृतीया को विशेषतः जल में अथवा मंडल मंडप या बहुत बड़े वन में यह कार्य संपन्न कराना चाहिए। वैशाख मास में प्रतिदिन भगवान के अंग को सुगंधित चंदन आदि लगाकर परिपुष्ट करें। प्रयत्न पूर्वक ऐसा कार्य करें जो भगवान के कृष्ण शरीर के लिए पुष्टिकारक जान पड़े। चंदन, अगरु, हिरिवेर, कालागुरु, कुमकुम, रोचना, जटामासी और मूरा ये विष्णु के उपयोग में आने वाले 8 गंध माने गए हैं। उन सुगंधित पदार्थों का भगवान विष्णु के अंगों पर लेप करें। तुलसी के काष्ठ को चंदन की भांति घिसकर उसमें कर्पूर और अगरू मिला दें अथवा केसर ही मिलावें तो वह भगवान के लिए हरिचंदन हो जाता है। जो मनुष्य यात्रा के समय भक्तिपूर्वक श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। जो लोग सुगंध मिश्रित जल से भगवान को नहलाते हैं उनके लिए भी यही फल है। अथवा वैशाख मास में भगवान को फूलों के भीतर रखना चाहिए। वृंदावन में जाकर तरह तरह के फल जुटावे और भगवान को भोग लगाकर किसी सुयोग्य भगवत भक्त को सब खिला दें। नारियल का फल अर्पण करें अथवा उसे फोड़कर उसकी गरी निकाल लें। बेर का फल निवेदन करें, कटहल का कोया निकालकर भोग लगावें तथा दही युक्त अन्न को घी से तर करके भगवान के आगे रखें। कहां तक कहा जाए, जो जो वस्तु अपने को विशेष प्रिय हो वह सब भगवान को अर्पण करें। नए वेद्य और वस्त्र आदि भगवान को अर्पण करें, पुनः उसे स्वयं उपयोग में न लावें। विष्णु के उद्देश्य से दी हुई वस्तु विशेषतः उनके भक्तों को ही देनी चाहिए। महेश्वरी, इस प्रकार संक्षेप से ही मैंने तुम्हारे सामने ये कुछ बातें बताई हैं। जिन शास्त्रों में श्री कृष्ण के रूप और गुणों का वर्णन करें उन्हें समझने की शक्ति हो जाए तो और कोई शास्त्र पढ़ने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। भगवान के प्रेम, भाव, रस, भक्ति, विलास, नाम तथा हारों में भी यदि मन लगा हो तो कामिनियों से क्या लेना है। अतः व्रज बालकों के स्वामी श्री कृष्ण को, उनके किरणा निकेतन वृंदावन को, व्रज भूमि को तथा यमुना जल को मन लगाकर भजो। यदि इस शरीर में त्रिभुवन के स्वामी भगवान गोविंद के चरणार विंदों की धूल लिपटी हो तो इसमें अगरू और चंदन आदि लगाना व्यर्थ है।